श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भटिंडा पंजाब में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा संत शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 4 से 10 जनवरी 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी ने शरीर में कष्ट होने पर, शरीर में दर्द होने पर उसे दूर करने वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल मिला के 5 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। इसके साथ ही 9 जनवरी मतलब कल की तिथि बहुत विशेष है क्योंकि साथ में प्रदोष, त्रयोदशी और मासिक शिवरात्रि तीनों तिथियां एक साथ आ रही हैं और इस दिन आप गुरुजी के बताए कौन से 5 बिल्कुल नए उपाय कर सकते हैं, वे उपायों की जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलने वाली है। तो आज का वीडियो इसलिए विशेष है क्योंकि आपको आज के वीडियो में कुल मिला के 10 उपायों की जानकारी मिलने वाली है। 5 मासिक शिवरात्रि के हैं और 5 जो आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज 8 जनवरी श्री संत शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तब आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि कुबेरेश्वर धाम किस संभाग मतलब डिवीज़न में आता है, तो इसका सही उत्तर है ए भोपाल। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। कुंदुक किस भगवान का शस्त्र है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है ए कार्तिकेय जी, बी गणेश जी। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं, हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। सोमा जी फिरोजपुर से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, पिछले 4 वर्षों से आपकी कथा सुन रहे हैं। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उसे चोट लगी, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कह दिया कि यह बचेगा या नहीं कुछ नहीं कह सकते हैं। 10 दिन तक उसे वेंटिलेटर में रखा गया। सर में इतनी भयानक चोट लगी थी कि उसकी बॉडी ने कार्य करना बंद कर दिया था, पैरालिसिस जैसा हो गया था। हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका जल उसके मुख में लगाना और चेहरे में फेरना शुरू किया और उसके शरीर में पैरालिसिस होने के कारण उसके शरीर में कुछ भी हरकत नहीं थी, कुछ भी हलचल नहीं थी। फिर हमने सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाकर वहां से बाबा से निवेदन कर कंकड़ रूपी शंकर का पूजन करके वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए। बाबा 3 महीने में सुन लेते हैं और हमने 1 महीने तक लगातार सीहोर से लाए गए रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके बेटे को देना शुरू किया और 1 महीने में ही बेटा खड़ा हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। पारुल शर्मा जी पत्र लिखना है जिसमें उन्होंने लिखा, मैं और मेरी बहन आपकी कथा सुनते हैं। मेरे जीजा जी को 3rd स्टेज का डॉक्टर ने कैंसर बताया और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा और उसके बाद भी उन्हें आराम नहीं मिला। फिर हमने सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर वह जल औषधि रूप में प्राप्त करके उन्हें देना शुरू किया। 15 दिन बाद उनकी फिर से जांच कराई, उनकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। जीजा जी ठीक हो गए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि हम अकेले हैं, तो इस पर गुरुजी ने कहा कि आपका जीवन इसलिए कष्ट में है क्योंकि आप कहते हो कि आप अकेले हो। आपको कहना शुरू करना है कि आपके साथ महादेव हैं। आपको एक लोटा जल लगातार शिवलिंग पर अर्पित करना है। रोज़ 1 लोटा जल अर्पित कीजिए और सीना ठोक कर बोलिए कि भोलेनाथ मेरे साथ हैं। फिर देखिए आपको कैसे सफलता प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सीहोर का रुद्राक्ष आपको ऑनलाइन नहीं मिलता है, ना ही हम सीहोर का रुद्राक्ष किसी को देते हैं किसी को बांटने के लिए। अगर आपको कोई बोले कि उसके पास सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है तो वह सरासर झूठ बोल रहा है। आपको उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। सीहोर का रुद्राक्ष ना ही सीहोर के बस स्टैंड से मिलेगा, सीहोर का रुद्राक्ष ना ही सीहोर के रेलवे स्टेशन से मिलेगा, ना ही सीहोर का रुद्राक्ष मंदिर प्रांगण के बाहर से मिलेगा। जो रुद्राक्ष महाशिवरात्रि में पूजन करके सिद्ध किए जाते हैं वह रुद्राक्ष सीहोर कुबेरेश्वर धाम के मंदिर प्रांगण के अंदर से विठलेश्वर सेवा समिति के द्वारा फ्री में बांटा जाता है। इसके लिए आपसे कुछ भी पैसे नहीं लिए जाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने विशेष जानकारी देते हुए बताया, पिछले वर्ष जो रुद्राक्ष शिवरात्रि में हमने सिद्ध करे थे वह अब पूर्ण होने वाले हैं, वह विराम की ओर हैं। 14 फरवरी तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष का वितरण होगा। 15 फरवरी 2024 से सीहोर कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष का वितरण बंद हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने रुद्राक्ष नहीं लिया है तो आप 14 फरवरी तक जाकर सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तब तक आपको रुद्राक्ष मिलेगा। 15 फरवरी से रुद्राक्ष बंद हो जाएगा। इसके बाद गुरुजी ने जानकारी दी कि फिर से रुद्राक्ष वितरण की शुरुआत 15 मई 2024 से होगी। इसके बाद गुरुजी ने बताया, 7 से 13 मार्च 2024 तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम में फुलेरा दूज के अवसर पर, मासिक शिवरात्रि के अवसर पर रुद्राक्ष महोत्सव रखा गया है जिसमें रुद्राक्ष का वितरण तो नहीं होगा पर शिव महापुराण की कथा होगी। इसके बाद गुरुजी ने सभी को सीहोर में होने वाली
7 से 13 मार्च 2024 की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में आमंत्रित किया। क्या आप इस कथा को सुनने जा रहे हैं? यदि हाँ तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए अभी हमें बता सकते हैं। बढ़ते हैं आज के तक की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम ही काफ़ी है। अगर आप दवाई खाते खाते थक गए हैं और आपको लग रहा है कि दवाइयाँ ने कार्य करना बंद कर दिया है, दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, तो उस समय भी आपको दवाइयों को खाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना चाहिए। इसके बाद आप दवाइयों का सेवन करें, दवाइयाँ अपना कार्य जरूर करेंगी और आपको जरूर राहत देखने को मिलेगी। इसके साथ ही गुरुजी ने एक और विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा, अगर आपको लग रहा है बहुत तेज़ बुखार आ रहा है तो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त करके किसी कपड़े में लगा लेना है। कपड़े को मतलब उस जल से गीला कर लेना है और उस कपड़े को उस व्यक्ति को जिसको बुखार आ रहा है उसमें उसके शरीर में वह जल फेर देना है, उसके माथे में लगा देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा, उस व्यक्ति को, उस बीमार व्यक्ति को बुखार में जरूर राहत देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। सरोज जायसवाल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति को अटैक आया। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल पर एडमिट किया गया। उसके बाद उन्हें तुरंत दूसरा अटैक भी आ गया। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी। हमने वह दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए देना शुरू की। शुरू में जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी थी वह दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही थी, पर जब हमने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाइयाँ देना शुरू किया, उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र उन्हें देना शुरू किया। हार्ट जब 25% कार्य कर रहा था, पर कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से दवाइयों ने कार्य करना शुरू कर दिया और वे अब ठीक हो चुके हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की तक की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। अंजू जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी ने जिद कर रखी थी कि उसे बाहर दूसरी कंट्री में जाकर कुछ करना है। मैंने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता है कैसे जाते हैं। हमने कई जगह बेटी की पत्रिका भी दिखाई थी, सबने कह दिया था कि बाहर जाने के योग नहीं है। फिर मेरी मम्मी के यहाँ आपकी कथा शिव महापुराण कथा मैंने पहली बार सुना। मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, 5 बार सोमवार के व्रत करने के बाद भी उसका वीज़ा क्लियर नहीं हुआ। बेटी ने कहा, सीहोर वाला महाराज झूठा है, आपने पशुपतिनाथ व्रत भी किया फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कहा, मैंने किया, तूने तो कुछ नहीं किया। इसके बाद मैंने मेरी बेटी से शिवालय में जाकर एक लोटा जल अर्पित करने को कहा। बेटी ने रोज़ शिवालय में जाकर एक लोटा जल अर्पित किया। शिवालय की वह सफाई भी कर देती और बाबा की कृपा से उसका वीज़ा क्लियर हो गया। बेटी कनाडा में जॉब कर रही है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए यह पत्र लिख रहे हैं। बढ़ते हैं आज के तक की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। रीता जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, मेरा पति के सर में 2 साल से दर्द होता था, कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा था। MRI कराई तो डॉक्टर ने सर में गठान बताई और ऑपरेशन की बोल दिया और यह भी कहा कि ऑपरेशन के बाद सुध आएगी या नहीं कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद एक लड़के ने सीहोर के रुद्राक्ष का वर्णन किया। सीहोर जाकर रुद्राक्ष को लाने को कहा। हमने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाया। रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त करके उन्हें देना शुरू किया। उनके सर में थोड़ा सा जल लगा देते। वो 15 दिन बाद ही फिर से जाँच कराई तो गांठ नहीं थी। पति ठीक हो चुके हैं, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज के तक की नौवीं विशेष जानकारी की ओर। मंजू देवी जी पतली कराई जिसमें उन्होंने लिखा, 23 वर्षों से पूरे शरीर में एलर्जी थी, स्किन की बीमारी थी। कई जगह दिखाया पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। फिर आपकी शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से मेरा रोग ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दसवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कुंदुक एक ऐसा S की आकृति का शस्त्र होता है जिसे आपने गणेश जी के हाथों में भी देखा होगा। जो व्यक्ति व्यसन में डूबा रहता है, नशा करता है, गलत आदतों में व्यस्त रहता है, अपशब्द बोलता है, तो आपको 7 दूर्वा लेनी है। 7 दूर्वा के पीछे आपको लाल चंदन लगा लेना है और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 7 दूर्वा अर्पित कर देना है। 7ों दूर्वा अर्पित करने के बाद आपको गणेश जी को चढ़ा दें। जब उसके बाद आपको चंद्र गणेश का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? चंद्र गणेश का नाम स्मरण करना है और घर का जो व्यक्ति अपशब्द बोलता है, नशे में डूबा हुआ है, उसके बारे में बाबा से कामना करना है कि वह ठीक हो जाए। इसके बाद आपको 1 दूर्वा औषधि रूप में प्राप्त करके अपने घर ले आना है और उस व्यक्ति को दे देना है। वह खा ले तो अच्छी बात है, नहीं खाता है तो उसे आप भोजन में भी मिलाकर खिला सकते हैं। नशा से वह स्वयं दूर हो जाता है। बढ़ते हैं आज के तक की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। नए और सरल उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने कहा, अगर आपके शरीर में समस्या है, व्हीलचेयर में आप चल रहे हैं, शरीर में कष्ट है, दर्द है, शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट होने पर, दर्द होने पर, आप सुबह 1 गिलास पानी तो पीते ही हैं, पर उस पानी को पीने से पहले आपको उस गिलास के पानी को अपनी हथेली में ले लेना है। मतलब थोड़ा सा पानी जितना आपकी हथेली में आ सके उस पानी को आपको अपनी हथेली में लेना है, थोड़ा सा पानी, और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस पानी का आपको आचमन कर लेना है। मतलब पानी पी जाना है, इसके बाद आप 1 गिलास का जो पानी है वह पी सकते हैं। ऐसा लगातार आप करना शुरू कीजिए, व्हीलचेयर से उठ जाओगे, शरीर के कष्ट दूर हो जाएंगे। सुबह सुबह यह छोटा सा और सरल उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस जल का आचमन करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर।
आज की कथा में गुरुजी ने बच्चों के लिए बिल्कुल विशेष और नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा, जो बच्चा मंद बुद्धि हो, जिसकी लार टपकती हो, बच्चे का विकास नहीं हो रहा हो, या फिर बच्चे का विवेक कार्य नहीं कर रहा हो, गंदगी कर देता हो, तो ऐसे बच्चों के लिए आपको गाय का बछड़ा जब गाय का दूध पी लेता है उसके बाद उसके मुँह में फेन लग जाता है, उस फेन को आपको चम्मच में प्राप्त कर लेना है और अमावस्या के दिन उस फेन को उस बच्चे को पिलाना शुरू कर देना है। यह उपाय आप 2 से 3 अमावस्या करके देखिएगा, बच्चे का विवेक कार्य करना शुरू कर देगा और आपको जरूर लाभ देखने को मिलेगा। यह विशेष उपाय आप 11 जनवरी गुरुवार की पौष अमावस्या के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में एक और नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, सफ़ेद पुष्प और बेलपत्र के साथ आपको एक विशेष उपाय करना है। सफ़ेद पुष्प और बेलपत्र लेकर आपको शिवालय जाना है और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद सफ़ेद पुष्प को उठाकर आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर अर्पित कर देना है। आपको बेलपत्र नहीं उठाना है, सिर्फ आपको सफ़ेद पुष्प उठाना है और सफ़ेद पुष्प को उठाकर आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर अर्पित कर देना है। इसके बाद वहाँ की मिट्टी को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उठा लेना है। आपको पुष्प नहीं उठाना है जो आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित किया है, आपको सिर्फ उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उठा लेना है और इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार के सीधे हाथ की ओर लगा देना है। बस इतना ही करना है, उस घर में लड़ाइयाँ नहीं हो सकती, गृह क्लेश नहीं हो सकता, घर में कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, कल मासिक शिवरात्रि जैसे शुभ अवसर पर भी आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने पेट में गांठ हो गई हो, गर्भाशय में गांठ हो गई हो या फिर शरीर में कहीं पर भी गांठ हो गई हो, ऐसे में किए जाने वाले एक विशेष और नए उपाय की जानकारी दी। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बेलपत्र और 7 दूर्वा की आवश्यकता होगी। आपको 1 बेलपत्र और 7 दूर्वा लेकर विशेष तरीके से बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। आप बेलपत्र को उत्तरमुखी होकर अर्पित करें, मतलब आप दक्षिण दिशा की ओर बैठे हों, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, इस प्रकार से बैठकर ही आपको बेलपत्र अर्पित करना है। और बेलपत्र आप हमेशा उल्टी अर्पित करते हैं, पर इस उपाय में आपको बेलपत्र के ऊपर पहले 7 दूर्वा रखनी है। आप फिर से समझिए, बेलपत्र के जो चिकना भाग होता है उसके ऊपर आपको 7 दूर्वा रखनी है और इसमें आपको सीधी ही बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह उपाय हम आपको अभी तो करके नहीं बता रहे हैं, पर कल हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें हम आपको यह उपाय वीडियो के माध्यम से करके जरूर बता देंगे। आपको बेलपत्र के ऊपर 7 दूर्वा रखनी है और सीधी बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको औषधि रूप में बेलपत्र और दूर्वा भोलेनाथ से प्राप्त कर लेना है। बेलपत्र को अर्पित करते समय और यह पूरा उपाय को करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करना है। दूर्वा और बेलपत्र को वापस प्राप्त करने के बाद आपको अगले दिन से 1-1 दूर्वा को रोज खाना शुरू कर देना है। 7 दिन तक आपको 7 दूर्वा खाना है और 8वें दिन जो आपने 1 बेलपत्र लाया है उसको खा लेना है। इस प्रकार से यह उपाय 8 दिन में पूर्ण होगा। यह उपाय भी आप कभी भी किसी दिन से शुरुआत कर सकते हैं, सोमवार, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि से करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। 4थे दिन की कथा में गुरुजी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने के 5 अलग अलग तरीके बताए थे। 5 अलग अलग तरीके से जल चढ़ाने से 5 अलग अलग प्रकार के आपको लाभ होते हैं। 9 जनवरी 2024 एक विशेष तिथि है। इस दिन प्रदोष, त्रयोदशी और मासिक शिवरात्रि तीनों एक साथ आ रही हैं। इस विशेष तिथि पर आपको किस प्रकार से जल अर्पित करना है जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो सके, आपकी समस्याओं का अंत हो सके, आप यह छोटी सी जानकारी एक बार जरूर सुन लीजिए। 5 तरीकों में से पहला तरीका यह है कि आपने 1 लोटा जल लिया, सीधे जाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दिया, ऐसे में भी भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है। दूसरा तरीका यह है कि आपने उत्तरमुखी बैठकर शिवलिंग में, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, आप दक्षिण दिशा की ओर बैठे हो, इस प्रकार से बैठकर आपने शिवलिंग पर जल अर्पित किया। इस प्रकार से अगर आप कल मतलब मासिक शिवरात्रि में जल अर्पित कर रहे हैं तो गुरुजी ने कहा इस प्रकार से जल अर्पित करने से रोग मुक्ति प्राप्त होती है, रोगों में आपको विजय प्राप्त होती है। तीसरा तरीका है माता अशोक सुंदरी के स्थान से आपको जल चढ़ाने की शुरुआत करना है और पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, मतलब सिर्फ 2 ही जगह आपको जल अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल अर्पित करना शुरू कीजिए और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। गुरुजी ने कहा यह हम कार्य सिद्धि के लिए करते हैं। अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और अगर आपको अपने घर या परिवार या फिर दुनिया के लोगों से कोई आस नहीं है, भोलेनाथ पर ही पूरा विश्वास है, तो इस प्रकार से जल चढ़ाते हुए आप उस कार्य के लिए निकल जाइए, आपको निश्चित सफलता देखने को मिलेगी। 4था तरीका जो गुरुजी ने बताया है वह 5 जगह जल अर्पित करने को कहा है, मतलब गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती के हस्तकमल और शिवलिंग के ऊपर। इन 5 जगह जल अर्पित करते हुए जब आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना, जो भी मनोकामना है, जिस उद्देश्य से आपने जल अर्पित किया है, वह निश्चित पूर्ण हो जाती है। 5वां और आखिरी तरीका है जो जलाधारी ऊपर बंधी होती है जिससे बूंद बूंद करके जल शिवलिंग के ऊपर गिरता है, सबसे पहले आपको उसमें थोड़ा सा जल अर्पित करना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है और अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, मतलब
इसमें आपको सिर्फ तीन ही जगह जल अर्पित करना है, ऊपर बंधी हुई जलाधारी, माता अशोक सुंदरी के स्थान और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर। यह जल भी आप कार्य में सफलता के लिए, कार्य सिद्धि के लिए या फिर व्यापार वृद्धि के लिए या फिर नौकरी प्राप्ति के लिए जाने से पहले यह विशेष उपाय आप करते हुए जा सकते हैं। यह मासिक शिवरात्रि के सभी उपाय आप कल करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जितने भी उपायों का जिक्र किया है उन सभी उपायों को हम अगले जो वीडियो आएंगे कथा पूर्ण होने के बाद उसमें सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे ताकि सभी उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से भी पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।